ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं अंकल, दर्द हो रही है। चलो बेटा, आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं नहीं, इसकी तो जरूरत नहीं। पक्की बात है ना? ये देख, ये क्या मी? सोने की चूड़ी है। सोना तो महंगा होता है ना। हाँ बेटा, वो जो हम सड़कों पे सोते थे ना, उससे हमारी जान छूट जाएगी। सच में अम्मी? हाँ, हमारे अच्छे दिन अब शुरू होने वाले। लेकिन अम्मी, हम इस सोने का करेंगे क्या? अरे इसे हम मार्केट में बेच के ना किराए का मकान लेंगे। उसमें मैं अच्छा सा राशन डालूंगी और मैं अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल भी करवाऊंगी। चलो अम्मी फिर चले, फुटपाथ पे तो सही से नींद भी नहीं आती। हाँ कह तो सही रहा है। चल फिर चलिए। ये आपकी अपनी है? जी जी, मेरी अपनी ही है। बस भाई, इतने बुरे दिन आ गए कि चूड़ियां बेचना पड़ गई हैं। इसकी रसीद है आपके पास? नहीं, वो रसीद तो गुम हो गई मेरे से। मैं इसकी परख कर लूं, फिर आपको इसके ऐसे बताता हूँ। हम बैठे जरा उठने दे। जी जी। हेलो शेर साहब, आपकी चूड़ियां ना को बेचने के लिए आया, तो मैंने 15 पे कॉल कर दिया, आप भी आ जाएं। ये हैं जी खातून जिन्होंने चोरी की है, चोरियाँ बेचनी आई हैं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की। इन भाई को मुगालता हुआ है, हम क्यों चोरी करेंगे? देखिए बीबी, मैं आपको शराफत से कह रहा हूँ, चलो थाने। क्यों थाने जाएं हम? हमने किया क्या है? एक औरत होने के नाते मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं लेडीज पुलिस को बुलाऊं, आप खामोशी से मेरे साथ चलिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। सेठ साहब, मुझे माफ कर दें। रहने के लिए घर नहीं था, खाना खाने के लिए खाना नहीं था, इसलिए मैंने ये सब मजबूरी में किया। सेठ साहब मुझे माफ कर दें। ओ बीबी, ज्यादा हमदर्दी हासिल करने की कोशिश मत करो। फिक्र ना करो बहन, एक मिनट उठे। आपके साथ ना इंसाफी नहीं होगी। मुझे ये बताएं कि चोरी आपने की है? किधर है वो चोरियां? जा रही है सेठ साहब। आपको अब चूड़ियाँ तो मिल गई है सदा, किस बात की? क्या इनको बेच के आपकी हाजत पूरी हो सकती है? इन्हें बेच के किराए का घर आ जाएगा, घर में कुछ अनाज ले आऊंगी और अपने बेटे को स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। लेकिन ये सब हमेशा के लिए थोड़ी चलेगा था। जी तो फिर ठीक है, आप मेरे घर पे जॉब कर ले, बच्चे का सारा खर्चा मैं उठा लेता हूँ और आपके रिहाइश का बंदोबस्त भी हो जाएगा। तो फिर सेठ साहब, इनकी मुझे जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए, और इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी, बहुत बेहतर। सेठ साहब, आपका बहुत बड़ा दिल है, आपने एक चोर को इंसान बना दिया। आदत की और बात है, लेकिन मजबूरी भी की गई चोरी के बारे में हजरत उमर ने भी फरमाया था कि कहत की शक्ल में अगर कोई खाने पीने की चीज चोरी करता है तो वो चोरी में नहीं आता। आ जाए मेरे साथ।